सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट. एज सीए स्टूडेंट्स अपन रोज प्लान करते हैं कि आज 10 घंटे पढ़ाई करनी, 12 घंटे पढ़ाई करनी, 14 घंटे पढ़ाई करनी, आज तो मैं फोड़ दूंगी, आज तो मैं फोड़ दूंगा. बट जैसे जैसे दिन बीतता है मैक्सिमम 3-4-5 घंटे के ऊपर अपन नहीं पढ़ पाते. एक साइड पे ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है कि इतना सिलेबस है और एक साइड पे अपना आउटपुट डिक्लाइन हो रहा है. यू नो अपन सबके पास 24 आवर्स है, ऑल सीए स्टूडेंट्स अपने पास 24 आवर्स है, येट देर आर ओनली 15% स्टूडेंट्स हु आर पासिंग सीए एग्जामिनेशंस. डज दैट मीन ये जो बचे हुए 85% लोग हैं इनमें कैपेबिलिटीज नहीं है? कैपेबिलिटी फुल है बॉस, एक चीज की कमी है, टाइम मैनेजमेंट. दे आर नॉट एबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, इस वजह से वो रिजल्ट पे पास नहीं देख पाते. यू नो मुझे पता है आप ये जो टाइम मैनेजमेंट के वीडियोस है ये मे बी 10th, 20th, 50th वीडियो रह सकता है आपके लिए, बट ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर रहेगा बिकॉज ये वीडियो में स्पेसिफिकली पर्सनलाइज सीए स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात बताने वाली हूँ यहाँ पे, बिकॉज मैं रैंडम टिप्स नहीं बताने वाली हूँ आपको यहाँ पे. फर्स्टली आई विल से व्हाई यू आर नॉट एबल टू पुट इन दोस 10-12 आवर्स. आपके दिन को थोड़ा सा डीकोड करेंगे, आपके एक्टिविटीज को, आपके हैबिट्स को थोड़ा सा डीकोड करेंगे और उसके बाद वो हैबिट्स को फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या टास्क करने हैं जिससे आप दिन के 10-12 आवर्स इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा ही पढ़ पाएंगे, ये मेरी गारंटी है. तो ये वीडियो ना आपके मई 23 एग्जामिनेशंस के लिए सबसे क्रूशियल वीडियो है, बिकॉज ये वीडियो अगर आप इंप्लीमेंट कर लो, ये जो टिप्स मैं बता रही हूं इंप्लीमेंट कर लो, तो इफेक्टिवली नेक्स्ट 2-3 महीने इफेक्टिवली पढ़ पाएंगे. तो मुझे ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना. सबसे पहला प्रॉब्लम जो अपना है, अपन ना बहुत सर्कल्स में घूमते हैं, वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन सर्कल्स. एग्जाम्पल बताती हूँ, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, 8 बजे उठते हैं, फिर 8 बजे क्या सोचते हैं कि यार मैंने सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया था, अभी तो मैं लेट उठ गई, ऐसे कर करके 10-11 बज जाती है. फिर क्या सोचते हो आप, अभी ना खाना वाना खा लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश माइंडसेट के साथ बैठूंगी दोपहर को. फिर दोपहर को नींद आती है, फिर सोचते हो थोड़ी देर सो जाती हूँ, चाय पी के बैठूंगी पढ़ाई को, चाय पी लेते हो, इवनिंग आ जाती है, इवनिंग आते आते अपन क्राई बेबीज बन जाते हैं, अरे यार मेरा तो टारगेट ही अचीव नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और रात आते आते गिल्ट ट्रैप जो अपन ने खुद के लिए बना लिया है कि पेरेंट्स का सोचते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल सोचते हैं, शादी का सोचते हैं, और ऐसे करते करते अपन सो जाते हैं, नेक्स्ट डे भी सेम चीज रिपीट करते हैं. वी आर जस्ट मूविंग इन सर्कल्स. ये आपकी हैबिट है, इसको रोकने के लिए जस्ट वन टास्क जो आपको रेगुलर बेसिस पे कैरी ऑन करना है, अभी मैंने आपके लिए ना पूरा नोट डाउन करके रखा है, चार्ट बनाया है. एक चीज आपको करनी है, आइडेंटिफाई योर स्लीप पैटर्न्स वंस एंड फॉर ऑल. डोंट गो ऑन एनी पब्लिक ओपिनियन हियर कि सुबह उठ के ही पढ़ाई होती है, रात को ही पढ़ाई होती है. आपको आपका स्लीप शेड्यूल फिक्स करना है कि मैं रात को 12 बजे सो रही हूँ, सुबह 7 बजे उठ रही हूँ, उसके ऊपर मुझे स्नूज बटन नहीं दबाना है, बाय हुक और क्रूक ये मेरे लिए चैलेंज है. जो भी फिर आप भले ही सुबह 7 बजे सो, उसके बाद एक फिक्स्ड पैटर्न सेट करो कि मुझे इसी टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे उठना है, एंड उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है. You know, don't let your day run you. You have to run your day for the rest of the 3 months. Sirf itna cheez kar lo, iske liye ek simple knack hai, aapka sleep pattern identify kar lo ki raat ko padhai hoti hai, subah padhai hoti hai, and uske liye proper time zone set kar lo ki mujhe isi time tak sona hai, and snooze button dabana hi band kar do, aapka din waste hone se bach jayega. Second cheez, second jo apni galti hoti hai, that is randomness. Chalo subah late uth gaye, fir uske baad apan kya karte hai, random subject utha lete hai, and wo random subject पढ़ते पढ़ते आपको टेंशन आता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप क्या करते हो, सब बुक साइड में रख लेते हो और एक नया टाइम टेबल बनाते हो, एक फ्रेश टाइम टेबल बनाते हो कि नहीं नहीं ये सब छोड़ दो, आज एक नया टाइम टेबल बना लेते हैं. एंड इसके वजह से आपका वो आधा दिन सिर्फ टाइम टेबल बनाने में चला जाता है, एंड नेक्स्ट डे एक और टाइम टेबल बनाते हो. दिस इज वॉट वी आर डूइंग ऑन अ रेपिटेटिव बेसिस. इसके लिए सिर्फ एक सिंपल टास्क करना शुरू करो, आज बैठ के आपका एक टाइम टेबल फिक्स कर लो, एंड ड्रिल इट डाउन टू बेसिक्स, पूरा 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 डिसाइड कर लो, एवरी सिंगल सेकेंड आपका प्लान कर लो आज ही. सी टुडे अप्रोक्सीमेटली इसके आगे आपके पास 80 डेज है, पूरा 80 डेज का चिट्ठा होना चाहिए आपके पास, मुझे इस दिन पे ये घंटे में ये मिनट पे ये चैप्टर करना है, ताकि यू डोंट वेस्ट टाइम ऑन मेकिंग एनी टाइम टेबल्स फर्दर. सेकेंडली यू नो ये जो रैंडमनेस में अपन रहते हैं, ये मैक्सिमम टाइम्स अपन अंडर कॉन्फिडेंस की वजह से रहते हैं कि SFM पढ़ रहे तब FR का टेंशन आता है, FR पढ़ रहे तब ऑडिट का टेंशन आता है, अंडर कॉन्फिडेंस है बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है. ये कोप अप करने के लिए ना स्टार्ट गिविंग टेस्ट. क्या होता है, सिंपल है, टेस्ट के दो फायदे हैं. एक तो टेस्ट है, ये सर पे जब तलवार हैंगिंग होती है ना तो अपन ऑटोमेटिकली पढ़ते. एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, 10 दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आई, उसने बोला कि मैम कंसिस्टेंसी बहुत इशू है मेरे में. मैंने बोला सिंपल एक चीज करो, कुछ और करने की जरूरत नहीं, टेस्ट देना शुरू कर लो. लास्ट 10 डेज में
ट्रस्ट मी लास्ट 10 डेज में शी इज बीन एबल टू कंप्लीट टू सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाइनल्स जस्ट बिकॉज शी स्टार्टेड गिविंग टेस्ट. तो इसके दो फायदे, एक तो कंसिस्टेंसी हो ही जाती है एंड दूसरी चीज ये जो रैंडमनेस की वजह से अंडर कॉन्फिडेंस लगता है अपने अंदर वो कहीं ना कहीं कोप अप हो जाता है. बेसिकली अपने सामने रियलिटी चेक ही आ जाता है कि अच्छे से पढ़ाई की है या नहीं की है. इसीलिए यू नीड टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट गाइज. इसीलिए मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज बिगिन की है. अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज बाय किए, अमेजिंग रिव्यूज मुझे मिले हैं. लास्ट रिजल्ट के बाद भी पीपल हैव गिवन सम अमेजिंग रिव्यूज ऑफ द टेस्ट. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ गाइज. यहाँ पे आपको आपका एक पर्सनलाइज्ड एडमिन पैनल मिलेगा जहां पे आपके सब क्वेश्चन पेपर, सब आंसर शीट, सब सजेस्टेड आंसर्स एक ही जगह पे स्टोर्ड रहेंगे. इसका फायदा क्या है, लेट्स से 2-3 महीने के बाद आपको ये देखना है कि मैंने इस चैप्टर में क्या गलती की थी, ये वाले पोर्शन में क्या गलती की थी. यू कैन जस्ट टर्न अराउंड एंड आप देख सकते हो अच्छा हाँ ये गलती है, मुझे एग्जाम्स में रिपीट नहीं करनी है. सेकेंडली आपको इवैल्यूएशन रिपोर्ट मिलता है कि हाँ मुझे क्या गलतियां हैं, मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मुझे प्रेजेंटेशन पे फोकस करना जरूरी है क्या. यू गेट एन इवैल्यूएशन रिपोर्ट. थर्डली आपको 2-3 दिन में पेपर चेक करके मिल जाता है. गाइज एक्सट्रीमली अफोर्डेबल प्राइसेस है टेस्ट सीरीज के. एंड गाइज मैंने एक शेड्यूल बनाया है टेस्ट का, वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हो या आपके शेड्यूल के हिसाब से भी यू कैन गिव दिस टेस्ट इन एन अनशेड्यूल फॉर्मेट एज वेल. बहुत यूजफुल रहेगा एंड दिस इज indirectly going to help you to study for those 12 to 14 hours. Trust me, नीचे description box में link दे रही हूँ, go check it out and you are going to thank me later for this. So सिर्फ busy नहीं रहना है अपने को कि एक ही कमरे में बैठे और random books उठा रहे हैं. We have to be productive here. Fact बताती हूँ मैं आपको, all of us have got just 1440 minutes in a day. एंड अपन ये 1440 minutes ऐसे वेस्ट करते हैं कि यार ठीक है ये तो फ्री में अवेलेबल है. जस्ट रिमेंबर टाइम फ्लाइज बट यू आर द पायलट ऑफ योर टाइम. एंड ये टाइम मैं आपको वेस्ट करने नहीं दूंगी, इसीलिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पे आते रहेंगे टाइम टू टाइम टू हेल्प यू कोप अप विद दीज डिस्ट्रैक्शन, टू हेल्प यू. जैसे बहुत सारे भी ICI के वेबिनार्स आने वाले, उसके समरीज डालती रहोगी, स्टडी प्लान्स डालती रहोगी, मोटिवेट करती रहोगी. तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन हिट करके रखो. थर्ड पॉइंट, सबसे कॉमन चीज जो अपन फेस करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस इज एंडलेस लूप ऑफ थॉट्स. इसमें सबसे पहला है एक्सटर्नल थॉट्स कि हाँ पढ़ाई करने को बैठते हो, फिर कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, अरे यार SFM का ये फास्ट ट्रैक लेना है, ये लॉन्च हो गया है मार्केट में, अरे यार ऑडिट की ना ये एक नई बुक आई है ये मुझे बाय करनी है, अरे यार टेलीग्राम पे ना ये फैकल्टी डाउट सॉल्विंग करा रहे हैं मुझे वो भी ज्वाइन करना है, अरे देयर इज सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. अरे है इन्फॉर्मेशन यार, पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट, बट दैट डजंट मीन यू शुड ऑक्यूपाई योर सेल्फ एंड यू शुड कंज्यूम एवरी लिटिल बिट ऑफ दिस. इसके लिए एक टास्क है आपके लिए, आज आइडेंटिफाई करो कि मुझे इस सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, मुझे इस सब्जेक्ट की क्लासेस लेने की जरूरत है. इस सब्जेक्ट में ना मुझे शायद सिर्फ डाउट सॉल्विंग करना है, मुझे इसके लिए मेरा डाउट सॉल्विंग का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है. इस सब्जेक्ट में शायद मुझे चार्ट बुक चाहिए, शायद मेरा समराइजेशन और 1.5 डे का प्लान मिस हो जाता है, सिर्फ वो मुझे बाय करना है ताकि आपका इसमें टाइम वेस्ट ना हो. यू नो टाइम वेस्ट होता है इसीलिए 10-12 hours यूटिलाइज नहीं कर पाते हो. तो ये एक्सटर्नल चीजों को वंस एंड फॉर ऑल बैन कर दो बाय एक्चुअली डिसाइडिंग कि आपको कौन से रिसोर्सेस कंज्यूम करना है, कौन से बुक से पढ़ाई करना है और कौन से क्लासेस लेने हैं. ये फिल्टर कर लो, एक चार्ट बना लो खुद के सामने कि क्या क्या मुझे बाय करना है, क्या क्या मुझे करना है और क्या क्या बुक मैं रेफर करने वाली हूँ. इससे आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा. एंड सेकेंड चीज है अपने खुद के इंटरनल थॉट्स, अरे मैं इस बार फेल हो गई तो, अरे मैंने इस बार क्लियर नहीं किया तो एग्जामिनेशन मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरी शादी करवा देंगे, दिस दैट. सिंपल बोलती हूँ, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप. एक टास्क आपके लिए है, इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू सम एक्टिव मोड, लाइक स्पीक अलाउड, रीड अलाउड, वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करो, घूम घूम के पढ़ाई करो. ये करोगे ना अल्टीमेटली आइडल स्टेट ऑफ माइंड से दूर हो जाओगे और आइडल स्टेट ऑफ माइंड से दूर होंगे तो एक्चुअली आप चीजें एक्शन में लाके उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो. बिकॉज वी आर गोइंग टू जस्ट टारगेट वन थिंग नाउ, लेस ऑफ थॉट्स more of actions, less of thoughts, more of actions, because just thoughts are depleting your energy and actions are going to create the energy. Next चीज है स्टडी एनवायरमेंट. अपन क्या करते हैं, एक रूम में बैठे अपना फोन भी वहीं पे पड़ा है, अपना लैपटॉप भी वहीं पे पड़ा है, रैंडम नोटिफिकेशन आ गया फोन उठा लिया, रैंडम लैपटॉप पे कोई वीडियोज देख रहे हो. ऐसे करते करते बुक तो सामने है, कमरे में तो बैठे हो वो ही चार दीवारी में, लेकिन वो इफेक्टिव आउटपुट नहीं निकल पाता है. इसके लिए एक सिंपल टास्क है आपके लिए, स्टार्ट टेकिंग आउट योर फोकस आवर्स कि चलो नेक्स्ट 3 घंटे के लिए टाइमर लगा लो और ये टाइमर जब लग रहा है द काउंटडाउन हैज बिगन फॉर यू. इसमें कोई डिस्ट्रैक्शंस अलाउड नहीं है, फिर आपके रूम में फोन नहीं होना चाहिए, लैपटॉप नहीं होना चाहिए, कोई फोन कॉल्स आ गए तो भी नहीं होना चाहिए. इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है 6-6 का डिटॉक्स.
जैसे मैं जनरली ये करती थी कि सुबह 6 बजे से लेकर इवनिंग 6 बजे तक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सोशल मीडिया नहीं, फोन नहीं, फ्रेंड्स नहीं, इवेंट्स नहीं, कुछ भी नहीं. ये जो 12 घंटे है दिस इज माई डिटॉक्स टाइम, इसमें मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी, मैक्सिमम सिर्फ लंच ब्रेकफास्ट इसके लिए ही उठने वाली हूँ. और 6 बजे के बाद गिल्ट फ्री जो मुझे करना है, जो भी सोशल मीडिया यूज करनी है, जिस भी फ्रेंड से बात करनी है, जो भी क्लास देखनी है वो मैं देख सकती हूँ. दिस इज वॉट यू हैव टू ट्राई नाउ. ओके, सो टू समराइज, अपने को अपने स्लीप पैटर्न्स डिसाइड करने हैं, अपने को अपने टेस्ट देने हैं, अपने को एवरी सिंगल मिनट फॉर द नेक्स्ट 80 डेज प्लान करना है, 3 रीडिंग्स का शेड्यूल बना लेना है, एंड लास्टली अपने फोकस आवर्स डिसाइड करने हैं. कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप कौन सा टास्क इमीडिएटली इंप्लीमेंट करने वाले हो, कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको लगता है कि आपके लिए बैरियर है बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू स्टडी फॉर द 10 to 12 hours जो भी अपन प्लान कर रहे थे. तो ठीक है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड टेक अप दीज टास्क फॉर द नेक्स्ट 80 डेज. बिलीव इन योरसेल्फ. This is me signing out. Wish you all the best. Tada.